एक और प्रयास हुआ सफल, मिला सहयोग, पहुँचे मंजिल तक। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं 500 बच्चों तक जो हमने जर्सी पहुँचाई है। आपके द्वारा दिए गए सहयोग से यह कार्य सफल हुआ, आपका हम धन्यवाद करते हैं। 3 अक्टूबर को SSF के परिवार ने यह निर्णय लिया कि हमारे सोनीपत शहर का कोई बच्चा सर्दी में नहीं टूटना चाहिए। इसके चलते हमने लगभग 500 बच्चों तक जर्सियां पहुंचाई हैं। और ये सब क्यों हो पाया? आपके प्रयास और आपके सहयोग से यह चीज़ सफल हो पाई है। तो मैं इसके चलते अपनी तरफ से और पूरी SSF की फैमिली की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आपकी मदद हमारा प्रयास, जिससे ज़रूरतमंद बच्चों को मिली ठंड में राहत, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसा मेरा प्रयास था कि इस सर्दी में जो गरीब बच्चे हैं उन तक जर्सी पहुँचाई जाए, जो आपने हमें समर्थन किया, आपने बच्चों को जो भाग दिया, उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, स्मार्ट स्माइल फाउंडेशन ने इस सर्दी एक छोटा सा प्रयास किया जर्सी बांटने का, और ये प्रयास सिर्फ आप लोगों के समर्थन की वजह से ही पूरा हो पाया है। और मैं और हमारी पूरी टीम आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है। धन्यवाद। जर्सी वितरण समारोह में आप सभी लोगों ने जो जर्सी का योगदान हमारी संस्था को प्रदान किया, उसका हम तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हमने आपसे अपील की थी इन बच्चों की जर्सियों को स्पॉन्सर करने की, आपने बहुत अच्छा योगदान दिया। बच्चों की जर्सियाँ स्पॉन्सर होगी, बच्चों की जर्सियाँ डोनेट होगी और बच्चों को जर्सियाँ मिलेगी, इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। इस कार्य को देखकर जो बच्चों का पढ़ाने का कार्य है या इनको मोटिवेट करने का काम है, हर एंगल से, पढ़ाई के माध्यम से, उसके वस्त्र के हिसाब से, और जो भी उनकी जरूरत पूरी करने में जो तन मन धन से सहयोग आप लोग मिलकर कर रहे हैं, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और इसका रूप से प्रार्थना करते हैं कि आगे से आगे बढ़ें और इस काम में पूरी उन्नति करें बच्चे। आपकी मदद हमारा प्रयास, जरूरतमंद बच्चों को मिली ठंड में राहत, इसके लिए पूरी SSF टीम आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है। धन्यवाद।